झज्जर जिले के सुरती गांव में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। फायरिंग के दौरान एक महिला को लगी गोली। सुरती गांव से पुरानी रंजिश के चलते खूनी खेल सामने आया है। आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला को गोली लग गई, जबकि झगड़े में दोनों पक्षों के सात लोगों को चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। महिला को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि झगड़ा उस वक्त हुआ जब एक परिवार में शादी समारोह से पहले बांध का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। किसने धमकी दी? मोहित बलवान के लड़के ने। पिछले तीन चार महीने वर्कशॉप के ऊपर जो कि आपको देख लिया होगा, ये दे रखी है, जो गोली के फोन के अंदर भी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और उससे पहले भी इसके फादर ने भी एक साल पहले मेरे को कॉल करके धमकी दी थी कि मैं जहाँ मिलेगा वहीं पे इसको हर बार कर दूंगा गोली मार के। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों के बयान पर मामला दर्ज किया और मामले की जांच में जुटी है। मिली थी कि सुरती गांव में फायरिंग हुई है, इसी तरह वहाँ पर पहुंचे तो एक महिला को गोली लगी हुई थी, जो जाने से पहले ही रेफर जेल आ चुकी थी और उसके पुत्र के बयान पर FIR लोड की गई है। पांच के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है।